हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। सो बने रहिए हमारे साथ। आज के व्लॉग में मेरे साथ जुड़ रहा है एक नया पर्सन जो कि मेरा दोस्त है। सो उसका इंट्रोडक्शन आप करवा देते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये मिस्टर राजगुरु, मेरा बचपन का दोस्त। सो राजगुरु, मेरे ब्लॉग पे आके कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार, पहला एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं? तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्प्रे कैसे करेंगे, ठीक है, गार्डन पे, और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेंगे वही दिखाने में जा रहा हूँ। तो लॉकडाउन कैसे चल रहा है? लॉकडाउन काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा काम में जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सफिशियंट टाइम मिल पा रही है काम करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को, आइए। चलिए दोस्तों, ये मिस्टर राजगुरु, इस नींबू खेती का मालिक। सो इससे पूछते हैं आज इसके बारे में। तो मिस्टर राजगुरु, आप बताइए कितने बीघा जमीन है आपका? देखिए करीबन अभी जो हम लोग नींबू खेती कर रहे हैं उसका ओवरऑल हमारा करीबन 8 से 9 बीघा का कल्टीवेशन हो रहा है। आप कंसिडर करेंगे तो आसाम में काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन आप देख सकते हो इसमें। और आप इसका जो देख रहे हो पेड़ में पूरा लगा है नींबू, नीचे से लेके ऊपर तक आप देख पा रहे हो, प्रोडक्शन पूरा ज़्यादा हो रहा है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और क्वांटिटी भी ज़्यादा आता है इसमें और क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो आप लोग कहाँ कहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करते हो? देखिए फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का इधर ही एरिया है, ठीक है, हाँ जी, कर्बियांगलोंग में जो बोकाजा नामक जगह पे है, ठीक है, उस इधर ही हम लोग का होलसेलर आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो हम लोग होलसेलर है, डायरेक्टली हम लोग इधर मार्केट में दे देते हैं, ठीक है, उधर से वो लोग ले जाते हैं। तो आप लोग का या मंथली या ईयरली प्रोडक्शन कितना रहता है? देखिए आप अगर अभी आप देखेंगे स्टार्टिंग करेंगे तो जैसे कि हमारा अभी 8 बीघा का जैसा है तो सब में प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, तो फिलहाल आपका प्रोडक्शन सिर्फ करीबन 6 बीघा में आ रहा है। तो पर प्लांट आप देखेंगे साल में तो करीबन 2 पौन का आता है, ठीक है, एक पौन में 80 पीसेस रहता है, तो एक पौन का करीबन 300 से लेकर 400 तक प्राइस रहता है। तो ये नींबू खेती करने के लिए कितना समय लगता है आप? देखिए जैसे कि आप प्लांट करने के बाद करीबन 2 साल लगेंगे प्रोडक्शन होने के लिए, तो पहला ईयर में थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा, तो नेक्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसे करके आपको तीन चार साल के बाद में अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं उसमें से। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर को किसी को चाहिए हो अगर नींबू, तो क्या करना है, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ डिटेल्स? तो हमारा आप कॉन्टेक्ट नंबर आप हम लोग दे देंगे, आप उसमें कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है सब्सक्राइबर, हम अपने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कॉन्टेक्ट नंबर, सब लोग कॉन्टेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। प्राइस भी आपको बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा, कंपेयरिंग क्वालिटी का मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा, फ्रेश गार्डन कमजे गार्डन आप देख ही सकते हैं, एकदम फ्रेश। और मिस्टर राजगुरु जी, आप ये बताइए सिर्फ नींबू का खेती ही करते हैं या कुछ और प्रोडक्शन भी आप लोग आपके यहाँ? इसमें आप सिर्फ नींबू नहीं, हम लोग बहुत सारा डिफरेंट वैरायटी का हम लोग प्लांटेशन किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटल नट है, ठीक है, हाँ जी, तो ये आसाम का बड़ा फेमस ही है, ठीक है, जैसे कि आप गुटका बीमल खाते हो तो उसका ही ये प्रोडक्शन करेगा, जो नट है इससे ही निकलेगा बेटल नट, ठीक है, तो उसको सुखा कर ही बनाया जाता है। और जैसे कि ये भी हम लोग पूरा होल लेन में लगाया हुआ है और पापाया का कल्टीवेशन भी आपके यहाँ देख देख पा रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा पापाया है, जैसे क्लोजर में देखे पक रहा है, तो इधर भी देख सकते छोटा छोटा पेड़ में लगा है, छोटा छोटा पेड़ में भी लगा है। और इसमें हम लोग ने बनाना का भी कल्टीवेशन किया है, मैं ये आपको इधर दिखाता हूँ, आ जाइए इधर, ये देखिए इतना बड़ा बगान है।
वैरायटी आप देख पा रहे हो। और इसमें हम लोग ने बनाना का भी कल्टीवेशन इधर किया है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। पर हम लोग का जो बनाना का क्वांटिटी हम थोड़ा कम किया है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पेड़ हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन में इफेक्ट करेगा और ये प्लांट को भी ग्रो होने के लिए नहीं देगा। जैसे कि इधर भी देख रहे हो सारा है, करीबन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही साल हुए इसको प्रोडक्शन किया हुआ वाला। और नया नया वाला प्लांट भी हम लोग प्लांट कर रहे हैं नीचे। तो इस खेती के लिए आप कितने खर्चा कर चुके हैं अभी तक? खर्चा ज़्यादा होता नहीं। पर प्लांट आपको खरीदने के लिए करीबन 20 रुपीज़ जैसा पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे तो उसमें ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत खाद वाद देंगे तो गोबर वोबर आप डालेंगे तो उसमें हो जाएगा, पर पानी थोड़ा आप देना पड़ेगा टाइम टाइम, आप उसको देखना पड़ेगा। और आप इसमें आप क्या कहेंगे कि कीटाणु सीटाणु से बचने के लिए उसको आप स्प्रे भी करना पड़ेगा आपको, और प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए आप विटामिन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर ये छोटा सा है, करीबन 1 साल हुआ है इसको, तो नेक्स्ट ईयर से प्रोडक्शन लेने का स्टार्ट कर देगा। और जैसे कि मैच्योर वाला आप देख पा रहे हो उधर, इधर देख रहे हो आप, ये करीबन 3 साल हुआ है, तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन आ गया। इसको ऑलरेडी हम लोग इसको सेल कर रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है इस पर। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी जैसे कि मैंने बताया आसम का बहुत बड़ा गार्डन है ये, तो बहुत बड़ा गार्डन मिलेगा। तो जो कोई भी देख रहा है मेरा ब्लॉग, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। में है ये नया गार्डन है, ठीक है, इसका भी करीबन 2 साल हुआ है, उसमें प्लांटेशन हम लोग ने बहुत ज़्यादा किया है। और इसमें मैंने और दूसरा प्लांट भी है, जैसे कि इसमें देख रहे हो काफ़ी बड़ा था। अब जैसे कि आपका आगे बैटल नट का गार्डन है, तो आप उसका मिडिल ही आप प्लांट कर सकते हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत ऐसा है नहीं। और इसमें आप मिडिल में देख रहे हो जैसे कि ये है एप्पल बियर, ये थाई एप्पल बियर है, जैसे कि आपने खाया होगा इसका जो टेस्ट है पूरा एप्पल की जैसे रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। तो कल्टीवेशन कुछ ऐसा होगा, ये करीबन 5 मंथ जैसा हुआ है, तो 1 साल से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, प्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। तो मिस्टर राजगुरु, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा, धन्यवाद। मिला गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये नींबू का खेत वाला ब्लॉग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो क्या करना पता है आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट में बताए आपको ये वाला खेत का आप लोग अच्छा लगा कि नहीं लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को। अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, अगर आप लोग को नींबू चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कॉन्टेक्ट करें और ऑर्डर दे सकते हैं। हम लोग आपको डिटेल्स बता देंगे आपको कहाँ आना है और आपको कहाँ से मिल सकता है ये वाला फ्रेश नींबू। तो चलिए, थैंक यू, गुड डे।